हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपनी सोप को स्किप कर देना चाहिए यूज करना, आपको सोप की जगह पे बॉडी वॉश का यूज करना चाहिए। यस गाइस, आपको सोप यूज नहीं करने चाहिए अपने बॉडी पे। जैसे कि आप तो सुने ही होंगे कि फेस पे सोप का यूज नहीं करना चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को भी हमें अच्छे किसी ऐसे चीज से वॉश करना चाहिए जो हमारी स्किन के लिए अच्छा हो और जिसके हमें टैनिंग हो जाती है। तो हमें ऐसा बॉडी वॉश यूज करना चाहिए जिससे हमें टैनिंग ना हो। और बहुत लोगों को ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, लाइक मेरी जो फेस की स्किन है वो तो कॉम्बिनेशन है, बट जिसकी मैं अपनी बॉडी की स्किन की बात करूं तो मेरी बॉडी की स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई रहती है और जिसकी विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा और भी ड्राई हो जाती है। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपके फेस के साथ साथ आपकी बॉडी की भी स्किन इवन लगनी चाहिए। सो गाइज, मुझे टैनिंग की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइक मेरे जो हैंड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मतलब कि अन ईवन है मेरे फेस के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से। जिसकी मैं अगर बात करूँ तो मेरा फेस का कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो मेरे हैंड्स ऐसे हैं। सो इसीलिए मैंने सोप्स यूज करना बंद कर दिए, मैंने सोप को स्किप कर दिया और मैं अब यूज करती हूँ बॉडी वॉश। और जब से मैंने बॉडी वॉश यूज करना स्टार्ट किया है तब उसके बाद से जो डिफरेंस मुझे नजर आए हैं वही डिफरेंस और उसके बारे में ही आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। सो गाइस, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको भी मेरी जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज सोप को स्किप कर दीजिए यूज करना और सोप की जगह पे आप बॉडी वॉश को यूज करके देखिए। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस और चेंजेस नजर आएगा आपकी स्किन पे और आप खुद अच्छा फील करेंगे अपनी स्किन को। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिस बॉडी वॉश की मैं बात कर रही हूँ वो बहुत ही अच्छे ब्रांड से भी है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा केमिकल्स एडेड नहीं होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही इसे प्रिपेयर किया जाता है। सो आज मैं आप लोग के साथ तो यही शेयर करने वाली हूँ, मामा अर्थ का विटामिन सी बॉडी वॉश। और गाइस, इसमें विटामिन सी के साथ साथ हनी भी है जो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और ये जो बॉडी वॉश है आपको बिल्कुल भी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इतना सा भी अगर बॉडी वॉश लेंगे लूफा पे या फिर अपने हैंड पे तो आपकी पूरे बॉडी के लिए इनफ है उतना। अगर आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बॉडी वॉश जब भी यूज करते तो आप लूफा लेके ही यूज करें, उससे बहुत ही अच्छा लेदर क्रिएट होता है और आपकी स्किन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और आपको जितने भी इसके गुडनेस है बेनिफिट्स है वो आपकी स्किन पे अच्छे से मिल पाती है। आप हैंड से भी यूज कर सकते हैं बट आपको उतना ज्यादा लेदर आई थिंक कि क्रिएट नहीं होगा अगर आप हैंड्स में लेके रब करके आप अगर शॉवर करेंगे तो। सो आपको लूफा में लेना है, थोड़ा सा ही अमाउंट आपको लगता है, बिल्कुल भी ज्यादा अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा लेदर क्रिएट होता है, आपकी पूरी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है इससे और ये आपकी बॉडी को क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटनेस भी देता है, स्किन ब्राइटन लगती है। एक दिन में ऐसा नहीं होगा, सो प्लीज इस चीज को आप नोट कर लें, एक दिन में ऐसा नहीं होगा। मुझे यूज करते हुए इसे 20 डेज से ज्यादा हो गए हैं इसे यूज करते हुए, उसके बाद ही मैं आप लोग को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने फील किया है, जो मैंने नोटिस किया है अपने स्किन पे डिफरेंसेस चेंजेस, तो वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने परचेस किया और नेक्स्ट डे आप लोग के लिए मैं वीडियो लेके आ रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 20 डेज कंप्लीट हो गए हैं इसे यूज करते हुए और उससे ज्यादा भी हो गया है मे बी। सो गाइज, इसे मैं यूज जब से कर रही हूँ तब से मेरी स्किन में बहुत सारे चेंजेस नजर आए हैं, मेरी बल्कि कॉम्प्लेक्शन की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल, लेकिन हाँ ये आपकी स्किन को ब्राइटनेस देता है, आपकी स्किन जो बहुत ही ज्यादा डल लगती है वो थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाती है, थोड़ी सी अच्छी फील होने लगती है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना देता है आपकी स्किन को, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड सफल फील होती है आपकी स्किन, जो कि बहुत ही अच्छा आपको खुद फील होगा। आप जब शॉवर लेने के बाद अपनी स्किन को फील करेंगे, टॉवल ड्राई करेंगे तब आपको इसका साफ डिफरेंस नजर आएगा आपको अपनी स्किन पे। आप जितना प्रोडक्ट देख रहे हैं इसमें ये इतना था और इसे मैंने मतलब कि लगभग 20 डेज में इतना ही प्रोडक्ट खत्म हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना दिन तक चलने वाला है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी प्राइस है 299-300 अप्रोक्स इसकी प्राइस है और ये आपको हमेशा डिस्काउंट में मिल जाता है। इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप लोगों को दिखाऊं तो इसमें बाकी कुछ ऐसा नहीं दिया गया है, हनी एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी भी नहीं दिया गया है। आई डोंट नो कि अगर ये केमिकल फॉर्म में लिखा हो तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है कि विटामिन सी लेमन या फिर ऑरेंज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा गया, तो विटामिन सी आई डोंट नो, मुझे तो नजर नहीं आया। और मैं इसके जो मैं इसका स्क्रीनशॉट है वो आप लोग को मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे।
सो गाइस मैंने भी अब तक मतलब कि सोप का ही यूज किया है और सोप की वजह से मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। तो मैं फेस पे फेस वॉश का ही यूज करती थी, बट बॉडी के मैं नॉर्मली जैसे हम सोप यूज करते हैं वैसे ही सोप यूज करती थी। इन्वेस्ट करके आप बॉडी वॉश लेंगे और आप धूप में ऐसे ही चल देंगे बिना मॉइस्चराइजर अप्लाई किए या फिर बॉडी लोशन या SPF बिना अप्लाई किए चल देंगे बाहर, तो आपकी स्किन पे टैनिंग हो जाएगी और फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप बॉडी वॉश यूज करते हैं उसके बाद आपकी स्किन को आपको मॉइस्चराइज करना है और आप ऐसा बॉडी लोशन ले जिसमें SPF पहले से हो ताकि आपका सन प्रोटेक्शन भी हो जाए और आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहे। सो गाइस अब मैं आप लोगों को इसका डेमो दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो आपको लूफा में इसे थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी लगता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में आप बहुत ही अच्छे से शावर ले सकते हैं। आपको कॉइन साइज्ड क्वांटिटी लेनी है और इतने में आपका शावर बहुत ही अच्छे से हो जाता है। सो आपको प्रोडक्ट ले लेना है और अपनी लूफा को वेट करना है, उसके बाद इसे रब करना है ताकि इसमें से अच्छे से झाग क्रिएट हो जाए और अपने आप शावर ले सकते हैं। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा बॉडी वॉश, थोड़े से ही प्रोडक्ट में आपका जो शावर है बहुत ही अच्छे से हो जाता है, आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाती है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है क्योंकि इसमें हनी भी है। इस मामा अर्थ के बॉडी वॉश में बहुत सारे रेंजेस अवेलेबल हैं बट मैंने लिया है विटामिन सी जो स्किन इल्यूमिनेटिंग के लिए है और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से इल्यूमिनेट करता है। इल्यूमिनेट का मीन्स होता है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइटन अप करता है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डिफरेंट रेंजेस भी यूज़ कर सकते हैं बट मैंने विटामिन सी ही चूज़ करना प्रेफर किया क्योंकि इसका विटामिन सी फेस वॉश भी मैं यूज़ कर रही हूँ और उसका भी रिव्यू बहुत ही जल्द आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। बॉडी वॉश करने के बाद आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, आपको मॉइस्चराइज़र या फिर बॉडी लोशन लेके अपने हैंड्स पे अच्छे से अप्लाई करना है और आप ऐसा बॉडी लोशन लें जिसमें SPF भी हो ताकि आपको टैनिंग से भी प्रोटेक्शन मिल जाए। सो आपको अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है और गाइज आपको लूफा के साथ भी बहुत ही जेंटली तरीके से अपने बॉडी को क्लीन करना है। ऐसे बिल्कुल नहीं कि आप बहुत ही प्रेशर लगा के अपनी बॉडी को क्लीन करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आपको अपनी बॉडी को क्लीन करना है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ब्राइटन अप हो जाएगी। आपको एक दिन में रिजल्ट तो नहीं मिलेगा बट आप कंटिन्यूसली इसका यूज़ करेंगे तो आई होप कि आपको इसका बहुत ही अच्छा डिफरेंस नज़र आएगा। सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत ही नेचुरल होते हैं, इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही प्रिपेयर किया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारी स्किन के लिए। इसमें केमिकल नहीं है, पैराबिन नहीं है और भी बहुत सारे ऐसे हार्श केमिकल एडेड नहीं है जो कि हमारे स्किन केयर या बॉडी केयर में नहीं होने चाहिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है हमारे लिए, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से ब्राइटन अप करता है। सो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो इस मामा अर्थ विटामिन सी बॉडी वॉश के बारे में। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, मिलते हैं हम हमारे आने वाले वीडियोज में। टेक केयर, बाय बाय।